ये लिख करके डाल सकते हैं। और ये शिकायत पेटिका जयपुर के कार्यालय में जाएगी दोस्तों, वहां प्रदेश स्तर पर अगर इस शिकायत पेटिका की सुनवाई नहीं की गई तो मुख्यमंत्री का घेराव भी किया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप सबसे यही अपील करता हूं कि इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और भाग लें। भारत माता की, भारतीय जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना का ही सिर्फ नाम बदला है। इस गहलोत सरकार ने हर उस योजना को बंद किया जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन आज तक किसी बेरोजगार को उसका भत्ता नहीं मिला और तरह तरह की शर्तें लागू करके बेरोजगारों को गुमराह किया। आज जन जन के अंदर बिजली के रेट को लेकर के पूरे देश के अंदर अगर कहीं सबसे महंगी बिजली है तो शर्म की बात है इस गहलोत सरकार के लिए कि राजस्थान है वो जहां सबसे महंगी बिजली दी जाती है। लानत है ऐसी सरकार पर जो एक एक घर के अंदर उपभोग वाली वस्तु को भी सबसे महंगा करते हैं। और दूसरा, इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने क्या किया, पूरे देश के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने वैट के टैक्स को पेट्रोल और डीजल से कम किया, लेकिन इस सरकार ने उसको भी कम करने से मना कर दिया। आज नहीं है, आज नगर पालिका ले ले तो कहते कि पट्टा बन रहा है। क्या पट्टे के लिए क्या क्या चाहिए, क्या आधार कार्ड चाहिए, आपकी रजिस्ट्री चाहिए और दो जोड़ी चप्पल की चाहिए, और क्यों तो चक्कर लगाते लगाते घिसेगी। ये हाल जन जन आज चक्कर लगा कर के इस कांग्रेस के नगर पालिका बोर्ड में इतना बेहाल हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं सड़क बनती बाद में टूटती पहले। कार्य होती है जनता के हित के लिए, ना कि जनता का शोषण उसका उत्पीड़न करने के लिए। गहलोत सरकार जिसका सचिन पायलट एंड कंपनी से 36 का आंकड़ा है, जिनके घर नहीं संभल रहे वो प्रदेश क्या संभालेंगे। और हम लोग किसी सरकार के अच्छी सरकार के बिना नहीं रह सकते। हमने संकल्प लेना है कि इस गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ना है और यहाँ कमल का फूल खिलाना है। राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार के आज लगभग 4 साल पूरे हो गए साथियों। 4 साल में इन्होंने लड़ाई अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई में निकाल दिए। अभी तक इन्होंने राजस्थान सरकार में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो टीटी साहब ने ये योजना चलाई थी श्रमिक कार्ड योजना, उसमें सरकार आते ही श्रमिक कार्ड के सारी योजनाएं बंद कर दी। मजदूर की मृत्यु होने पर जो 2 लाख मिलते थे अब वो नहीं मिल रहे हैं। बेटी की शादी में 51,000 रूपए मिलते थे, अभी उन्होंने बंद कर दिए हैं। और जो भामाशाह योजना राजस्थान सरकार भाजपा सरकार ने जो चलाई थी, इस योजना का नाम बदलकर चरणजी 2.5 साल तक तो इन्होंने योजना बंद ही कर दी। उसके बाद जो चलाई चरणजी योजना, उसमें ये कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन कराओ तो उसको लाभ मिलेगा। ऐसे करके लाभ तो इन्होंने देना नहीं है, 5 साल ऐसे ही पूरे कर देने हैं। तो भाई साहब, भाइयों और बहनों, सरकार बदलने का टाइम आ गया है। आने वाले अगले साल चुनाव है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भाजपा की सरकार बनाए और ये कुशासन से मुक्ति पाए और सुशासन लाभ सरकार से लाभ पाए। भारतीय जनता पार्टी 400 तो बाद को काम होता है, कितना नहीं एक काम किया इन्होंने, नशा बेची जाते हैं। पाकिस्तान जो नशा होता कर्णपुर गैसमपुर पदमपुर बड़ा शांत एरिया थी, ये भी सारा हूं बड़ा ओजा हो रहा। जेजा तरन तारण गुरदासपुर अंबरसर सीगा, इतो लोग उधर नशा जा रहे हैं। देखो सरकार का काम होंगे भी उन्हें अच्छा काम करना, लोगों की भलाई का काम करना। ये तो बच्चे अपनी जवानी खत्म कर रही है सरकार। तो सरकार असि सारे शिकायतें लेके आए हैं, अब जो वोट मंगने नहीं आए, सिर्फ आप दुख तकलीफा सुन आए, ये तुम जरूर बच पाओ। इन्हें कहना मैं क्षमा जा सकता, बहुत बहुत मेहरबानी। दो शब्द सब तो पहला तो मैं जिहड़ी कल इतिहासिक 7वीं वार जित होई है ना गुजरात च, उहदी तुहानू सारिआं नूं लख लख वधाई देना। दूसरी गल इह सुण लो भी जदों लोकतंत्र च अपने एक व्यवस्था चुनाव दी है, 4 साल पहलां कांग्रेस अपने आई सी इत्थे, उहनां ने आपां नूं बहुत झूठे वायदे कीते सी भी किसान दा
या लघु जो कर्जे है जिन्हें भी जिस भी प्रकार का कर्जा है चाहे ऊंट गाड़ी का है चाहे वो डेयरी का है तो चाहे किसान की केसीसी है इवन कई बार तो इतने तक कह के भी आड़तियां के कर्जे भी असि माफ करावांगे। दूजी गल कही सी भी बेरोजगार नू रोजगार देंगे या रोजगार भत्ता 3500 रुपए महीना देंगे। तीजी गल कही सी भी 24 घंटे इतने बिजली उपलब्ध करावांगे निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करावांगे और जिन्नियां भी भारतीय जनता पार्टी दियां कल्याणकारी योजना चल रही है ना उदू चंगियां योजना देवांगे चंगा राज देंगे। आपां उस झूठे वादे च अपने लोगों ने उन्हां दी सरकार बना दित्ती पर होया उहदे सारा ही उल्ट। की होया किसान तां खुदकशी करजा माफ तां की होना किसान ने कर्जे करके खुदकशी कीतियां ते अपने गंगानगर जिले च या ठाकरी पिंड राजे नगर दे कोल उत्थे तुसीं सारिआं ने पढ़िया होना। बाकी राज की गल सुन लो मैं ज्यादा लंबे उदाहरण नहीं दिंदा लालगढ़ च 9 साल की बच्ची दे नाल बलात्कार करके उहदी हत्या हुई है ना उसे पिंड थाने च थाने के तीन मतलब चार दुकाना छड के दुकान से डाका पिया। जदों ही असि सवेरे अखबार चकते हाँ इको ही गल पढ़ने मिलती है बलात्कार कतल गुंडागर्दी डाका चोरी। इस तो इलावा मैनू नहीं लगता कोई कांग्रेस सरकार की उपलब्धि हो। एक गल मेरे तो पहला दसी है सरदूल सिंह जी ने चिट्टा शराब अफीम ये जो दिल्ली तुम्हें चाहिए समैक सब कुछ मिल जाऊगा इन्हों के ठेके खुल गए ये वादू है। तब जो सारे पासे त्राई त्राई मैं वोट ले लिए 1.5 लाख वोट का अंतर था 50,000 बूथ है एक बूथ पे 3 वोट और मिलते ये नहीं बनती सरकार छोटी सी कमी रह गई और झूठ बोल के वोट ले गए। कह दिया सबका कर्जा माफ कर देंगे किसी का गाड़ी का है किसी का अपना खड्डी का है किसी गरीब का पेट बकरी का है कोई भैंस का है ऊंट गाड़े का एक भी कर्जा किसान का और किसी गरीब का इन्होंने 5-4 साल में माफ किया तो बता दो लेकिन वोट ले गए। दूसरा क्या बच्चों को नौकरी देंगे आपने अखबारों में देखा नौकरी के लिए लाखों की संख्या में बच्चे रीट की परीक्षा देने आए रात को स्ट्रांग रूम तोड़ के 3 करोड़ में पर्चा बेच दिया और उन्होंने आगे लोगों को बेच दिया लोगों ने पैसे लेके खरीद लिया गरीब ने दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाया वो बैरंग लौट गए और पैसे वाले नकल मार के मास्टर लग गए। ये हुआ कि नहीं हुआ भी बोलो बोलो भी हुआ कि नहीं पता है कि नहीं आपको पता है कि आके शिक्षा मंत्री जी चुड़ासरा जी उसके एक लड़का एक लड़की है उसकी पत्रबद्धु है दमाद है चारों को आरएस लगा दिया चारों को क्योंकि नंबर हाथ में उनके गरीब को नौकरी नहीं पैसे वाले को नौकरी और अपने बच्चों के लिए आरएस की नौकरी और गरीब के लिए पड़ासी की नौकरी नहीं। क्या है ये सरकार ये हुआ है आपके सामने और लोगों के हक मारे गए हैं। कहा था कि गरीब का बच्चा बीए पास हो जाएगा 3500 देंगे किसी एक बच्चे को 3500 आया तो हाथ खड़ा कर दे नहीं मिला किसी को कुछ झूठ मार के वोट ले गए। क्या बिजली नहीं बढ़ाएंगे 9 बार बढ़ा दी 9.5 रुपए दे जाए सबसे महंगी बिजली डीजल में 33 रुपए पेट्रोल में 40 रुपए टैक्स है सबसे महंगा पेट्रोल हिंदुस्तान का गंगानगर में सबसे महंगा सिलेंडर 600 रुपए सिलेंडर पे गलोद का टैक्स है कितना पैसा लेकिन देने को देना ही नहीं। जो मिलता था ना हमने आपके लेबर कार्ड बनाने शुरू किए इन्होंने बंद कर दिए हमने लेबर कार्ड पर बच्चे की शादी में 55,000 रुपया देना किया इन्होंने बंद कर दिया। हमने आपने कहा कि किसी का भी बच्चा जो पढ़ता है उसको छात्रवृत्ति दे देंगे इन्होंने बंद कर दी। किसी को मिली तो बता दो लेबर कार्ड बना तो बता दो। अब मोदी जी कह रहे हैं 10 किलो फ्री कणक देनी ये ऑनलाइन ही कर रहे एक नाम चढ़ा के दिखा दो। इनको ये है अगर मकान ज्यादा मिल गए मोदी मोदी अगर किसानों को पेंशन ज्यादा को मिल गई मोदी मोदी अगर सबको ये मोदी से डरते हैं और कहते हैं कि मोदी नहीं अरे मोदी तो गरीब के घर में नहीं मन में घस गया मन में घुस गया वो नहीं निकलेगा कितने जोर लगा लो। आज नारे लग रहे हैं आज नारे लगे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी ये नारे लग रहे हैं गरीबों के मोहल्लों में लग रहे हैं क्योंकि उनको पता लग रहा है 70 साल बाद कोई ना कोई गरीब को मिलने लगा है लेकिन दूसरी तरफ यह हुआ है। इसलिए मित्रों मैं आपसे निवेदन करता हूं इस सरकार ने राजस्थान को गड्ढे में डाल दिया इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा कि हम सोच नहीं सकते।
सबसे बड़ी बात 6 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अब आम आदमी को क्या पता सरकार के कितना कर्जा है, आप ऑनलाइन कर्ज निकालो। सरकार पर 6 लाख करोड़ कर्जा कर दिया उन्होंने और कर क्या रहे हैं, यात्रा निकल रही है राजीव लाहदूत खालू या होटलों में 5 स्टार में चल रहे हैं। गहलोत की और उसकी लड़ाई में पायलट की 5 स्टार होटलों में पार्टियां चल रही हैं और सरकार का एक ही काम है। वो पूछा था गहलोत को कि पिछली बार 5 साल आपने कहा सबको पढ़ाओ बिजली बचाओ और ये अब के क्या कहता, अब के मेरा एक ही नारा है सरकार बचाओ सरकार बचाओ सरकार, बस 5 साल हो गए सरकार बचाओ। शाम को जैसे कोई मुर्गे रखता है बकरियां रखता गिरता ना, कोई बकरी का बच्चा कोई रह तो नहीं गया, कोई मुर्गा कोई बिल्ली कुकुड़ कर ही खा गया तो टोकरे के नीचे तारते हैं, ऐसे शाम को गहलोत एमएलए गिरता है। कोई कम तो नहीं हो गए, एक दो इधर उधर नहीं भाग गए, सरकार तो नहीं हिल रही, ऐसे काम दे सरकार 4 साल बर्बाद हो गए। और बुरा हाल क्या हुआ, अब सफाई बेलगाम हो गई क्योंकि गहलोत कहता है एमएलए नाराज नहीं होना चाहिए, एमएलए नाराज हो गया मेरी सरकार जाएगी, कलेक्टर एसपी सब एक ही बात एमएलए खुश रखो एमएलए, और एमएलए खुश होने के लिए चांदी कूट रहे हैं कांग्रेस के एमएलए चांदी घर पर लिए। कभी 70 साल में इतना एमएलए को छूट नहीं मिली, थाने इनके चल रहे हैं, झूठा मुकदमा बढ़ाओ मर्जी से एफआईआर लगाओ, नहीं है तो मर्जी है इसमें एफआईआर लगा दो, करनी है कि नहीं करनी, इसका नक्का तो कैंसिल कर दो, इसका नक्का मंजूर कर दो, आपस में दबाव की